नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे पाकिस्तान की जीत से इंडिया को फायदा हुआ है और साथ ही और कौन सी टीमों को फायदा या नुकसान हुआ है इस बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो पहली बात, तो पाकिस्तान से हारने के बाद न्यूजीलैंड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। न्यूजीलैंड ने अभी तक 7 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं और 11 पॉइंट है और +1 का नेट रन रेट है। न्यूजीलैंड अभी नंबर 2 पर है, लेकिन अगर वो ये मैच जीत जाती तो नंबर 1 पर आ जाती और ऑफिशियली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर जाती। और यहां जीतने का न्यूजीलैंड के पास एक सॉफ्ट चांस था, क्योंकि आगे न्यूजीलैंड के मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से होने वाले हैं, जिनमें न्यूजीलैंड को जीतना मुश्किल हो सकता है। और इस हार से आने वाले टाइम में न्यूजीलैंड नंबर 2 से भी नीचे खिसक जाएगी। उसके बाद भारत को इससे क्या फायदा हुआ है, तो भारत को इससे ये फायदा हुआ है कि अगर न्यूजीलैंड जीती तो फिर उसकी नंबर 1 पर पोजीशन हो जाती और अभी नंबर 1 पर उसकी नंबर जो है उसकी नंबर 2 पर हो जाती। फिर इंडिया के लिए टॉप 2 में जाना मुश्किल हो जाता, लेकिन अब टॉप 2 में जाना आसान हो गया है, क्योंकि अभी इंडिया के पास 4 मैचेस है। वहीं इंग्लैंड को पाकिस्तान की जीत से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इंग्लैंड ने 7 मैच खेले हैं, 4 जीते और 8 पॉइंट्स है और +1 का नेट रन रेट है। और अब अगर इंग्लैंड एक भी मैच हारी तो वो बाहर हो जाएगी और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। इनमें पाकिस्तान के पास चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान ने 7 मैच खेले हैं, 3 जीते और 7 पॉइंट्स है और -0.9 का नेट रन रेट है। और इसके चांसेस सेमीफाइनल में जाने के ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आगे के मैचेस कमजोर टीमों से है और वो ये आसानी से जीत जाएगी। तो लगता है पाक फिर सेमीफाइनल में भारत से भिड़ेगी और मुंह की खा के निकल जाएगी बाहर। बाकी बात करें नीचे की टीमों की, तो श्रीलंका नंबर 7 पर है, उसके 3 मैचेस बचे हैं तो उसके पास थोड़े चांसेस हैं। वहीं लास्ट की 3 टीमें वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान गेम से बाहर हो चुकी है। आप कमेंट करके बताइए कि क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी। इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करें। चलिए, जय महादेव, जय हिंद, जय भारत।